सनमति सागर मोबाइल सभी कंपनी के मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है हीरो शोरूम के पास विश्व भारती रोड भगवानगंज सागर। वो एक ऐसी लड़की थी जो देर रात पार्टियां करती थी, वो बियर पीती थी, शराब पीती थी और लड़कों के साथ होटल में सेक्स करती थी। उसका दबदबा ऐसा कि अगर कोई लड़का उसके साथ सेक्स करने से मना करे तो वो हंगामा करती थी। जब इसने रास्ते में एक लड़के को रोका और कहा कि भाई उसके साथ सेक्स करे, जब लड़के ने मना किया तो इस साथ लड़की ने अपने दो साथियों के साथ उसकी सोने की चेन लूटी और उस पर चाकुओं से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र की बताई गई है। इस लड़की की जिंदगी पूरी फिल्मी थी, वो एक पेशेवर कातिल निकलेगी किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, इस लड़की को देखें जिसमें गजब की बला है, जो गजब की खूबसूरत है, इसको जो देखे बस दीवाना हो जाए। लेकिन यह कितनी सातिर है आप अंदाज नहीं लगा सकते। यह कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर है जिसका नाम जोया खान है, जिसकी उम्र महज 20 साल है, लेकिन अय्यासी के इसमें सारे गुण हैं। जिसने रियल एस्टेट के एक सेल्स डायरेक्टर का कत्ल कर दिया और इस प्रकार की वारदातों में इंडल्ज कर रहे हैं। इनके पास अवैध हथियार भी हैं और इनके पास जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे अन्य वारदातों को जो कि जघन्य साबित हो सकती थी उनको अंजाम देने का भी इनकी योजनाओं के बारे में पता चला है। तो पुनः एक बार वही अनुरोध रहेगा कि इंदौर पुलिस का इस पूरे जो प्रयास है उसमें सभी का सहयोग रहे और हम अपराध मुक्त इंदौर बना सकें। ये दोनों केसेस सेंसेशनल थे। क्या है पूरा मामला हम आपको बताए देते हैं। तारीख 7 अक्टूबर थी। मृतक जो रियल एस्टेट कंपनी का सेल्स डायरेक्टर था जिसका नाम देवांशु मिश्रा था, जो रीवा का रहने वाला था और इंदौर में नौकरी कर रहा था, वह अपने दोस्त सतीश के साथ शराब की पार्टी कर घर वापिस आ रहा था। तभी सत्य साई चौराहे पर दो युवकों ने एक पल्सर बाइक को सड़क पर बिछा दिया। देवांशु को रोका गया, वह रुक गया। अचानक एक लड़की की एंट्री हुई। यह किन्नर जोया खान ही थी जिसने देवांशु से सेक्स करने की बात की। जब देवांशु ने मना किया तो हंगामा मचाने लगी और फिर देवांशु के गले से सोने की चेन खींच ली। जैसे ही देवांशु जाने लगा तभी जोया खान के दो साथी अल्लू और अलीम ने चाकुओं से देवांशु पर हमला कर दिया। देवांशु और सतीश दोनों नशे में थे, लिहाजा सतीश देवांशु को किराए के उस मकान MR3 में लेकर आया जहां दोनों साथ साथ रहा करते थे। वहीं देवांशु की चाकू लगने से उसी घर में मौत हो गई। पुलिस ने CCTV और एक वायरल वीडियो का सहारा लिया जिसमें एक सड़क पर लड़की देवांशु से विवाद करती दिखी। पुलिस ने स्किन्नर के साथ उसके दो साथियों को आजाद नगर से हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद सावधान हो जाएं। कभी कभी खूबसूरती के पीछे एक शैतानियत छुपी होती है। समझ गए तो बच गए, नहीं तो फिर अंजाम बेहद खतरनाक और घातक होता है। कीर्ति बर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, इंदौर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।